रेकी हीलिंग करके कहीं आप किसी के कर्मों को तो नहीं ही ले रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोग एनर्जीज की हीलिंग करते हैं, एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनकी समस्या को, आप उनकी प्रॉब्लम को, उनकी वो डार्क एनर्जी को अपने अंदर खींच लेते हैं अनजाने में ही। आपको नहीं पता कि ये करना है या ये नहीं करना है, ये कैसे करना है। जब नए हीलर हीलिंग शुरू करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता, एक्साइटमेंट बहुत होता है, उन्हें लगता है मैं इसे हील कर दूं, मैं उसे हील कर दूं, मैं ऐसे हील कर दूं, मैं वैसे हील कर दूं, बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और इस वजह से बहुत बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ी एनर्जी से जुड़ी हुई समस्या हमारे अंदर आ जाती है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, हम यहाँ ऑकल्ट हीलिंग साइंस के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे रेकी हीलिंग, पाणी हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, जिन्हें जानने से आपका जीवन सहज और आसान होता है और आप हीलर बहुत अच्छे से अपने लोगों को हील कर पाते हैं। लेकिन क्या हील करके, किसी को एनर्जीज के द्वारा सपोर्ट करके, आराम दिला करके, कहीं हम उनके कर्मास को तो नहीं ले रहे, उनकी ऊर्जा को तो अपने अंदर नहीं सोख ले रहे, कहीं उनके जीवन में जो समस्या हो रही है उन्हें ठीक करने के चक्कर में हम उनकी प्रॉब्लम को अपने अंदर तो नहीं ले रहे। जी हाँ, ऐसा होता है, खासकर नए हीलर्स में। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, जो हम रेकी हीलिंग सिखाते हैं या कोई भी हीलिंग सिखाते हैं, खासकर रेकी हीलिंग में, क्योंकि सबसे शक्तिशाली पद्धति यही है। बाकी सारी प्रक्रिया में एक प्रार्थना होती है कि आप अपनी मर्जी से इन्हें ठीक करें, लेकिन रेकी हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं अपने हाथों से ही सब चीज़ों को ठीक करने का बीड़ा उठा लेते हैं, सामर्थ्य दिखा लेते हैं, क्योंकि हमारी हाथों से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वही चीज़ों को बदलती है, वही चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, समय को, बीमारियों को, रिश्तों को और ऊर्जाओं को। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी हम बदलेंगे, क्योंकि एनर्जी को हम सिर्फ बदल सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। किसी के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा तैयार हो रखी है तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म नहीं करते, हम उसे परिवर्तित करते हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा वहाँ भरते हैं और वो नकारात्मक ऊर्जा कहीं निकल जाती है। तो वो कहाँ निकलती है, इसका पता बहुत ज़रूरी है, कहीं वो हमारे तक ही तो नहीं आ रही। तो ऐसे में खतरा तो बहुत बढ़ जाता है, ऐसे में तो हीलिंग करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जब हम रेकी हीलिंग किसी को सिखा रहे होते हैं तो एक हिदायत देते हैं कि शुरुआत में पहले दूसरे लेवल पे अपने या अपने घर वालों को, एकदम करीब के लोगों को हाथ रख करके, छू करके हील करें। तीसरे लेवल पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब चौथा लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल पूरा होता है, तब तक एक लंबी यात्रा पूरी हो चुकी होती है। तो एक रेकी हीलर जब लेवल वन से ग्रैंड मास्टर तक की यात्रा पूरी करता है और उस बीच में जो प्रैक्टिस करता है, जो वो रोज़ अभ्यास कर रहा है, रोज़ 21-21 फिर 45-45 दिन ऐसे करके करीब 5 से 6 महीने का जो अभ्यास होता है, वो समय काल में धीरे धीरे आभास होना शुरू होता है, धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है कि कैसे हमें सामने वाले की ऊर्जा से बच के रहना है, सामने वाले की ऊर्जा से बचकर रहना। इसीलिए नए हीलर से गलती कर बैठते हैं, जो ग्रैंड मास्टर पूरा करके एक लंबा अभ्यास कर चुके हैं वो ये गलती नहीं करते, उन्हें हम सिखाते हैं कि क्या नहीं करना है। अब समझिए, अभी अगर आप किसी को हील कर रहे हैं तो सबसे पहला काम जो होगा, उन्हें क्षमादान प्रार्थना करवाओ। रोज रात को सोने से पहले वो क्षमादान प्रार्थना करके सोएंगे, यानी कि जो भी उनके जीवन में कष्ट है वो उन्हीं के कर्मों की वजह से है। तो क्षमादान प्रार्थना करने से ब्रह्मांड का जो ये सिस्टम है, ये जो परमात्मा का सिस्टम है, उनके कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वो कर्म कटेंगे और आपकी हीलिंग से वो कर्म साफ हो जाएंगे, यानी कि सफाई हो करके वो कर्म किसी और के कर्मों में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका कर्म कट रहा है, उनका कर्म ठीक हो रहा है। आप सिर्फ उस जख्म को साफ कर रहे हो, आप कोई जख्म ठीक नहीं कर रहे हो, आप जख्मों को साफ कर रहे हो, ताकि वो जितनी जल्दी, जितना आप साफ करते जाएंगे उतनी जल्दी वो जख्म ठीक होने लगेगा, उतनी जल्दी वो हील हो जाएगा। दूसरा और सबसे अहम, कभी भी ये मत बोलना जब भी लोग आपसे ये कहें कि आपका वीडियो देख करके आप
आपके हाथ से, आपके बोलने से, आपके बताने से, आपके करने से, आपकी हीलिंग से मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। जब भी ये कभी कोई लोग बोलेंगे ना, कभी भी अपने ऊपर मत लेना, हमेशा ये बोलना परमात्मा की कृपा है जी। कभी भी जब लोग ये बोलें कि आप पर मुझे पूरा विश्वास है, आप मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे, तब भी यही बोलना परमात्मा की कृपा रहेगी जी, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कभी मत बोलना मैं ठीक कर दूंगा, हमें मैं अपनी देखी हीलिंग से ठीक कर दूंगा, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैं ठीक कर दूंगा, परमात्मा का आशीर्वाद से ठीक कर दूंगा। नहीं, सब ठीक हो जाएगा जी, विश्वास रखें परमात्मा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आपकी आपके समर्पण से सब ठीक हो जाएगा, आपने जो समर्पण परमात्मा के प्रति दिखाया उससे सब ठीक हो जाएगा, ये भाव में करना। तीसरा, जब भी हीलिंग करने के लिए बैठेंगे, मैंने हमेशा अपने रेकी हीलिंग की कॉलिंग में ये सिखाया, जब भी रेकी हीलिंग करते हैं, हाथ उठाते हैं, तो एक बात जो अफर्मेशन में हम बोलते हैं वो ये, परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, माता प्रकृति के आशीर्वाद से, इनका फला 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 चीज़ ठीक हो रहा है, पूरी तरह से ठीक हो रहा है, इन्हें आराम मिल रहा है, इन्हें इनके जीवन में इनके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, इनका दर्द ठीक हो रहा है, इन्हें आरा सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, पूरी तरह से हील हो रहे हैं, इन्हें आराम मिल रहा है, इन्हें सब अच्छा लग रहा है, इनका मन शांत हो रहा है परमात्मा की कृपा से। और ये अफर्मेशन कंप्लीट होते होते, 3 से 5 मिनट की हीलिंग कंप्लीट होते होते आखिर में ये बोलते हैं हम, अब हीलिंग कंप्लीट होती है तो मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, मैं गुरुओं को धन्यवाद करता हूँ, मैं माता प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं को धन्यवाद करता हूँ, मेरे इस शरीर का धन्यवाद करता हूँ, इस इंसान का धन्यवाद करता हूँ जिसकी वजह से ये पूरी हीलिंग कंप्लीट हुआ, मैं एक माध्यम बन पाया, मैं परमात्मा की इस इच्छा में एक निमित्त बन पाया। समझ पा रहे हो? यानी कि आप पूरी तरह से इसे परमात्मा के हाथ में छोड़ दे रहे हैं, परमात्मा के द्वारा करा रहे हैं। एक कथा लेकर आता हूँ यहाँ पर जरूरी है, महाभारत काल की ये कथा है, इसमें भगवान श्री कृष्णा द्रौपदी को एक बात कहते हैं, जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्णा पर नाराज होती है कि मेरा चिरहरण होने के टाइम तुम मुझे बचाने के लिए आए, थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे, जब मेरे पति लोग हार रहे थे जुए में तब नहीं आ सकते, तब हेल्प नहीं कर सकते थे। तो भगवान श्री कृष्णा ने कहा कि मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तूने बुलाया क्या, या तेरे पतियों ने बुलाया क्या? हाँ, तुमने उस समय समर्पण किया क्या, जब सब तरफ से तुम हार गए, जब सब तरफ से तुम्हारा रास्ता ख़त्म हो गया, तब तुमने मुझे बुलाया, तब तुमने मुझे आह्वान किया? हाँ, नहीं, तुम्हें करना चाहिए था ना। जैसे जुए के उस खेल में दुर्योधन ने मामा शकुनी को आगे कर दिया था कि हमारे तरफ से ये खेलेंगे, तो पांडव भी तो ये कर सकते थे ना कि हमारे तरफ से कृष्णा खेलेंगे, हमारे मित्र खेलेंगे, तो कोई भी चाल तुम नहीं हारते। तो बिल्कुल वैसे ही जो गलती उस समय पांडव ने की थी, कहीं ना कहीं वो गलती हम हीलर्स कर बैठते हैं, हमें लगता है परमात्मा ने हमें चुना है तो हम करते हैं ना, परमात्मा को क्यों परेशान करना। नहीं, अपने हर हीलिंग को, अपने हर अगले चाल को परमात्मा को समर्पित कर दो। जो कीना तू कीना, मैं कछु कीना, ये वाला जो भाव है कि जो किया तूने किया, जो करेंगे आप करेंगे, जो करने वाले हैं आप करने वाले हैं, मैं सिर्फ माध्यम हूं, तो वो जो चक्री चलती है, परमात्मा समझ पाते हैं कि आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर भाव है, दिल से चाहते हैं कि इसको समाधान मिले, इसकी प्रॉब्लम ठीक हो, और आपके उस भाव की वजह से, आपकी उन हीलिंग की वजह से यूनिवर्स अपने आप में बदलाव करता है और ऊर्जा अपने आप में बदलती है, जिसका कुछ भी आप में नहीं आता। चौथा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी भाव चाहे कैसे भी हो, हम कहीं ना कहीं ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं। अगर आप आग में खाना पका रहे हैं, आग में कोई चीज़ को भून रहे हैं, जला रहे हैं, सेक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी बना के चलना होता है। तो इसलिए परमात्मा को ध्यान में रख करके 3 रंगों वाला सुरक्षा चक्र हमेशा बना लें, सफ़ेद, हरा और लाल बना करके चौकुरे 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 सुरक्षित 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 ऐसे सुरक्षित कर ले। ये तरीका होगा जो कि आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा चक्र को लेकर एक बात मैंने जो सिखाई है कि आप जितने बार सुरक्षा चक्र बनाएंगे, उतने बार आप और शक्तिशाली होते जाएंगे सुरक्षा चक्र को बनाने को लेकर के। तो अब आप समझ पाए हैं कि
तो एक ही हीलिंग खतरनाक हो सकता है यदि आप सही से उसका प्रयोग ना करें। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हीलिंग साइंस से जुड़े और भी बातों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।